नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बेड़मी पूरी बनाएंगे। बेड़मी पूरी उत्तरी भारत की खास रेसिपी है। आगरा में तो सुबह सुबह हर बाजार में, मिठाई की दुकान पर गर्मा गर्म बेड़मी पूरी आलू मसाला सब्जी के साथ तैयार मिल जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। बेड़मी पूरी को दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो दाल को आटे में मिक्स करके, दूसरा दाल को स्टफिंग करके, यानी कि भर करके। तो आज हम बेड़मी पूरी दाल को आटे में मिक्स करके बनाएंगे। बेड़मी पूरी के लिए हम उड़द की दाल या मूंग की दाल, कोई भी दाल ले सकते हैं। तो आइए बेड़मी पूरी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है और एक चौथाई कप उड़द की दाल ली। दाल को साफ करके, धो करके हल्के गुनगुने पानी में भिगो दिया। एक घंटे दाल को भिगोया और पानी निकाल करके हमने दरदरा पीस लिया है। दाल में हमने दो हरी मिर्च भी डाल करके साथ में पीस लिए हैं। तो ये हल्की दरदरी पिसी हुई उड़द की दाल है। तेल बेड़मी पूरी तलने के लिए और आटे में डाल करके गूंथने के लिए, आधा छोटी चम्मच नमक है या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च, एक छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, एक पिंच हींग, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर और एक छोटी चम्मच दरदरा कुटा सौंफ पाउडर। तो सबसे पहले हम बेड़मी पूरी बनाने के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो हम आटा लगा लेते हैं। आटे में हम तीन छोटे चम्मच तेल डाल देते हैं। और ये जो दाल हमने दरदरी पीसी है इसे भी डाल देंगे। उड़द की दाल हमने ली है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मूंग की दाल की बेड़मी पूरी बना रहे हैं तो मूंग की दाल को भिगो करके और इसी तरीके से दरदरा पीस लेंगे। नमक डाल देंगे, लाल मिर्च, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक का पेस्ट, और धनिया पाउडर, और ये हींग। सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पूड़ी के लिए थोड़ा सख्त आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ये हमने जैसा पूड़ी के लिए सख्त आटा लगाते हैं उस तरह का आटा लगा करके तैयार कर लिया है। और इतना आटा लगाने में 2-3 टेबलस्पून पानी लगा है क्योंकि दाल में पानी था काफ़ी। तो आटे को हम ढक कर के 20 मिनट के लिए रख देंगे। आटा फूल कर सेट हो जाएगा, इसके बाद हम बेड़मी पूरी बनाएंगे। आटे को हम ढक कर रख देते हैं। बीस मिनट हो गए हैं, हमारा आटा फूल कर तैयार हो गया है। हम इसे थोड़ा सा मसल के ठीक कर लेते हैं। और आटे से तोड़कर लोइयां तैयार कर लेते हैं। ये हमने 10 लोइयां तोड़कर बना लिए। हाथ से थोड़ा सा तेल लगाकर हाथ को चिकना कर लेंगे और लोइयों को इस तरीके से गोल करके थोड़ा दबा कर पेड़े जैसा बना करके रख लेंगे। तो सारी लोइयां हम तैयार कर लेते हैं। एक एक लोई उठाएंगे, चकले पर रखेंगे। थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं लोई के ऊपर ताकि ये चकले से चिपके ना। और हल्के हाथ से
पूरी की तरह से ही मोटा इसे बेलेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा पूरी से मोटा रखना है। जिस तरीके की मिस्सी पूरी होती है उसी तरीके का हमें बेलना है। तो ये हमने पूरी बेलकर तैयार कर ली। हम अपना तेल चेक कर लेते हैं गरम हो गया है कि नहीं, तो तेल में हम जरा सा आटा डाल करके देख लेंगे। आटा सिक करके तैर करके ऊपर आ रहा है, तेल हमारा गरम है। तो अब हम बेड़मी पूरी को तलते हैं। तो गरम तेल में हम ये बेली हुई पूरी डाल देंगे और पूरी को थोड़ा सा दबाते हुए फुलाएंगे। फूलने के बाद हम इसे पलट देंगे और दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर निकालेंगे। बेड़मी पूरी दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम सारी बेड़मी पूरी तल करके तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म क्रिस्पी बेड़मी पूरी बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छी बेड़मी पूरी बनी है। बेड़मी पूरी को हरे धनिया की चटनी, आलू मसाला सब्जी और किसी भी रायते के साथ सर्व कीजिए। आलू मसाला सब्जी को आप मेरे चैनल पर या वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप बेड़मी पूरी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।